देखते हैं कि पिछले 50-60 साल से एक ही पार्टी का एमएलए एमपी एक ही पार्टी का कारपोरेटर जीता कर, लेकिन हालिया इलेक्शन में मालूम हुआ कि ये जो है जो पार्टी जीतने वाली है मरकज़ में जो है ये लोग बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। हैदराबाद से जीत कर जाने वाला नुमाइंदा उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार बना रहा, महाराष्ट्र में उन्हें बीजेपी की सरकार बना रहा, उन्हें राजस्थान में जाके बीजेपी की सरकार बना रहा। तो तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान आज दुआ कर रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैदराबाद के मुसलमानों के लिए, हम पर रहम करो, ये हैदराबाद के नुमाइंदे से हमारा जान छुड़ाओ, हमारा पीछा छुड़ाओ, इन्हें तुम्हारे वोटों से जीत के आके ये बीजेपी का दल्ला बन के बैठा हुआ है वहाँ पर बोलता है। तो वो तैयारी में आने वाले एमपी इलेक्शन के लिए क्या तैयारी आप क्या और आप तैयारी क्या है भाई? अरे शादी करे वलीमा कर रहे हैं क्या, ऐसी बात पूछ रहे हैं आप? अरे नहीं साहब, हाँ भाई नहीं है, अब तक के जितने बात आप बोले वो पूरे सही हो रहे हैं। देखिए मजलिस बचाओ तहरीक एक वाहे जमात है जो 24 घंटे राउंड द क्लॉक तमाम कैडर उसका आवाम के दरमियान में रहते। आप बतलाइए कि ये जो बीआरएस की सरकार से मुसलमानों को नुकसान हुआ हिंदुस्तान तेलंगाना में, ऐसा नुकसान कहीं भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले आगाह करने वाले हम, ये बीआरएस की सरकार के खिलाफ में इसके आंग में चड्डी है बोल के बोलने वाले हम, लेकिन 9 साल में जो जुल्म और सितम मजलिस बचाओ तहरीक के कारकुनों पे हुआ बीआरएस की सरकार बीआरएस की पुलिस की जानिब से, आज वो हट गई, आज वो परेशानी के बादल हट गए। अब जो सरकार है कांग्रेस की, अब जो रेवंत रेड्डी की सरकार है, ये गरीब का सोच रही, मुसलमानों का सोच रही, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। आप देखिए स्कीम के तालिब से बोलिए साहब, इतने भी अगर हो सक्सेस होंगे वो नहीं, अब आप ये देखिए अभी तो सक्सेस होंगे नहीं होंगे, आप अभी से कहीं को बोल रही नहीं, अब आप बोलिए कि सक्सेस होते आप जितने भी बोले जो भी बात करें आप सही सच हुई, ये जो बात बोले वो सही हुआ, हम जो बात बोले वो सही हुआ वो हमेशा कांग्रेस की गवर्नमेंट पूरे 6 स्कीम अपने इम्प्लीमेंट करेंगी आने वाले दिनों में, आप देखेंगे। We'll be right back.
एमबीटी नो वन एमबीटी नो वन एमबीटी गाड़ी हटे और हटवा रहे।